जामिया में फिर से वीडियो गेम छिड़ गया है। एक के बाद एक चार चार वीडियो सामने आए हैं। छात्रों की वीडियो में पुलिस की बर्बरता दिखी तो पुलिस के वीडियो में पत्थरबाज छात्र नजर आ रहे हैं। देखिए, जामिया एक वीडियो अनेक। एक बार फिर जामिया से वीडियो का चिन्ह निकला। इस बार छात्रों का जारी वीडियो भी है, पुलिस का भी जारी वीडियो है। मानो वीडियो वॉर छिड़ गया हो, एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर हमला शुरू हो गया हो। वीडियो नंबर एक, जामिया में हिंसा के दो महीने बाद अचानक आया पहला वीडियो जामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का है, जहां कुछ छात्र पढ़ाई करते दिख रहे हैं। अचानक वहां कुछ हलचल होती है, छात्र दुबकने लगते हैं, चेहरे पर डर का भाव आ जाता है और फिर डंडों से लैस हेलमेट वाले जवान घुसते हैं। चेहरे ढके ये जवान बिना कुछ कहे छात्रों पर लाठियां बरसाने लगते हैं। दर्जन भर जवान लाइब्रेरी में छात्रों को ढूंढ ढूंढ कर डंडे भांजते दिखे। छात्रों पर लाठियां बरसाने वाली वीडियो के वायरल होते ही दिल्ली पुलिस भी हरकत में आई, वीडियो का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दे दिए। ये जो आप बता रहे हैं ये हमारे भी संज्ञान में आया है। इसके ऊपर जैसा कि आपको पता है क्राइम ब्रांच में एक ऑलरेडी केस दर्ज है, जामिया इंसिडेंट को लेकर के इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इस वीडियो का हमने भी संज्ञान लिया है, इसके ऊपर भी हम पूरी तरह से तफ्तीश करेंगे। छात्रों के वीडियो से पुलिस और सुरक्षा बल घिरे तो फौरन दो वीडियो भी आ गए। दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी वीडियो में तस्वीर कुछ और ही है। एक वीडियो में छात्र बदहवाशी में लाइब्रेरी में आते दिख रहे हैं, सभी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो डर से छिपने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें नकाब और रुमाल से ढके कई चेहरे दिख रहे हैं। ये लाइब्रेरी की टेबल को खिसका कर लाइब्रेरी का दरवाजा बंद करते हैं। बाहर से आ रहे इन छात्रों में कुछ के हाथ में पत्थर भी है। पुलिस के द्वारा जारी तीसरा वीडियो जामिया कैंपस का है। इस वीडियो में छात्र सीढ़ियों और बालकनी में दिख रहे हैं, उनके हाथ में पत्थर है। पुलिस का दावा है कि ये वीडियो 15 दिसंबर की शाम 6:05 का है। कई छात्रों के हाथ में पत्थर दिख रहे हैं और छत से लटककर नीचे पुलिस पर पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। दोपहर होते होते एक और वीडियो सामने आ गया। ट्विटर पर जारी इस वीडियो में भी पुलिस की बर्बरता दिख रही है। मेरा एक सवाल उन पुलिस वालों से है कि आपने तो पहले शेल मार करके गैस चैम्बर बना दिया, वहां सांस लेना मुश्किल हो रहा था, मौत दरवाजे पे दस्तक दे चुकी थी, आपने भी मास्क पहन रखा था। हमारे छात्र उस वक्त पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर भाग दौड़ का माहौल था, ठीक है, जिस तरीके से बच्चों को मार रहे थे, उस वक्त कोई बैठ करके चैन से पढ़ सकता है? सबने इसलिए मास्क पहन रखा था क्योंकि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और दूसरी चीज, आइडेंटिटी हिडन करने का भी सवाल था, क्योंकि जिस तरीके से मार रहे थे वो जो है आइडेंटिटी असर्ट करके एक एक स्टूडेंट को, वो काफी कंडेमेबल है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ और इसकी जाँच होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो कर्मचारी आइडेंटिफाई हों उन पर एक्शन होना चाहिए और एक संवेदनशील बयान आना चाहिए पुलिस की तरफ से कि आगे ये घटना नहीं होगी। विवाद पुलिस के हवाले से वीडियो जारी करने को लेकर भी है। जामिया प्रशासन का आरोप है कि वीडियो जांच के लिए दिया गया था, लेकिन पुलिस इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। हमारी तरफ से कोई भी सीसी कैमरा वो फुटेज यानी उसमें आउट नहीं की गई, हमने किसी को भी यानी फुटेज नहीं दिया है, प्रोवाइड नहीं किया है। अब इन लोगों के पास कहां से आया है ये पुलिस और क्राइम ब्रांच जो है इंक्वायरी करें। और रहा सवाल इसका कि हमने जो दिए भी हैं तो वो NHRC की टीम को दिया है या हमने दिया है उसको HRD मिनिस्ट्री में सबमिट किया है। वीडियो की नई खेप पर कैंपस का पारा फिर आसमान जा पहुंचा। छात्र पुलिस पर सवाल कर रहे हैं, पूरा कैंपस का हाल बता रहे हैं, वीडियो खंड खंड में आ रहा है, पूरा सच क्या है कोई नहीं जानता। 15 दिसंबर को आखिर जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस और उसके लाइब्रेरी में हुआ क्या था, आज तक ने आपको सबसे सटीक सबसे पहले असली तस्वीरें दिखाई। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 29 सेकेंड का एक वीडियो जारी किया, जिसमें पुलिस लाइब्रेरी में जो छात्र थे
उन पर लाठीचार्ज किया और एक कहीं ना कहीं नरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि जो दिल्ली पुलिस है उसने लाइब्रेरी में पढ़ रहे निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज किया। लेकिन आज तक को दिल्ली क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से सीसीटीवी मिला और एक नहीं बल्कि दो सीसीटीवी मिले, जिससे 15 दिसंबर को जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस में और लाइब्रेरी में हकीकत में हुआ क्या था इसका पूरा सीक्वेंस क्लियर हुआ। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। नागरिकता कानून के खिलाफ जामिया के छात्रों का विरोध 2 महीने से जारी है। 2 महीने पहले हिंसा भड़की तो पुलिस पर आरोप लगा कि कैंपस में घुसकर पुलिस ने बर्बरता की, लेकिन पूरा सच अब तक बाहर नहीं आ सका है। जामिया की जंग पर वीडियो की ये कोई पहली किश्त हो ऐसा नहीं है। 15 दिसंबर को कैंपस में जो कुछ हुआ उसे लेकर खंड खंड में वीडियो आते रहे, अलग अलग दावे किए जाते रहे। कभी वायरल वीडियो की शक्ल में तस्वीरें आईं, जिसमें उपद्रवियों को आईना दिखाया गया, तो कभी पुलिस की पोल खोलने वाला वीडियो सामने आया। पूरी हकीकत क्या है, पूरा सच क्या है, कोई नहीं जानता। पहले दिल्ली पुलिस खुद जामिया की लाइब्रेरी में घुसने की खबर को नकारती रही, अब उसी लाइब्रेरी की तस्वीरें आईं, जहां सुरक्षा बलों के जवान चेहरे ढक कर लाठियां भाजते दिखाई दिए। जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर भी लाइब्रेरी में तोड़फोड़ हुई, जहां जहां से पथराव हो रहा था पुलिस के ऊपर, हम लोग वहां से भीड़ को डिस्पर्स कराने के लिए हमारी पुलिस वहां पे चेक करने गई थी। इसमें यूनिवर्सिटी मेन रोड के ऊपर ये लोग भीड़ थे और ये लोग यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर जाकर के पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे। मामला नागरिकता कानून के खिलाफ जामिया में छात्रों के प्रदर्शन से शुरू हुआ। बैनर, पोस्टर, नारेबाजी वाला प्रदर्शन 2 महीने पहले देखते ही देखते हिंसक हो गया। 15 दिसंबर को जामिया इलाके में तोड़फोड़ हुई, बसें फूंक दी गई, रास्ते बंद कर दिए गए। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई। देखते ही देखते जामिया के बाहर की आग कैंपस तक जा पहुंची। आरोप लगा कि पुलिस जबरन कैंपस में घुसाई और छात्रों पर बर्बरता की, लाइब्रेरी में लाठियां बरसाई। दिल्ली पुलिस कैंपस में लाठीचार्ज से इनकार करती रही, लेकिन एक के बाद एक आए वीडियो ने पुलिस के दावे पर सवाल खड़े कर दिए। सबूत के वीडियो आए तो वीडियो से ही पलटवार भी शुरू हो गया। इस कड़ी में फिर 3 नए वीडियो सामने आए। अब देखना यह है कि इसका सच क्या है, 15 दिसंबर को आखिर कैंपस में हुआ क्या था, उसकी क्रोनोलॉजी क्या थी, क्या पुलिस ने बेगुनाह छात्रों को निशाना बनाया या फिर छात्रों के भेष में छिपे उपद्रवियों को सबक सिखाया। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। वीडियो आया तो गेम सियासी खेमे में भी शुरू हो गया। ओवैसी और हिंदू महासभा जुबानी जंग में आमने सामने आ गए। दिल्ली पुलिस ने झूठ कहा, गवर्नमेंट ने झूठ कहा कि पुलिस जामिया में इंटर नहीं हुई। वो इन विजुअल से, इन सीसीटीवी कैमरा के विजुअल से प्रूव हो चुका है कि दिल्ली पुलिस ना सिर्फ जामिया के अंदर घुसी बल्कि रीडिंग रूम में घुसी, और जिसकी वजह से मिनाजुद्दीन नामी एक बच्चे की आंख भी ज़ाय हो गई, वो एक आंख से महरूम हो गया। जो विजुअल्स ये बता रहे हैं कि बच्चियां प्लीट कर रहे हैं पुलिस से कि हमको निकलने दीजिए, और पुलिस पीछे से मार रही है, ये पुलिस के जुल्म की और उनकी ब्रूटैलिटी या बार्बरिज्म की एक बेहतरीन मिसाल है। देखिए, ये एक पहलू है। जो पुलिस ने वीडियो जारी किए उन पर कोई बहस करने को क्यों नहीं तैयार होता है? वो दंगाई जो हाथ में पत्थर लेकर के मुंह बंद करके वहां पर लाइब्रेरी में आकर के बैठ रहे हैं, उन वीडियो को लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं? क्योंकि आज आतंकवादियों को विपक्ष का समर्थन मिला हुआ है। आज प्रियंका गांधी उस वीडियो पर चर्चा कर रही है कि लाइब्रेरी में जाकर के लाठीचार्ज हो रहा है। प्रियंका गांधी को वो वीडियो भी देखना चाहिए कि वो पत्थरबाजी करके शीशे से पुलिस को देख रहे हैं और अपना मुंह बांध करके लाइब्रेरी में बनावटी तरीके से बैठ करके अपने आप को छात्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो छात्र नहीं है, वो आतंकी है।